भीलवाड़ा के अंदर रायला व कोटड़ी थाना है, जिसके अंदर कुछ दिन पूर्व जो डोडा पोस्ट के तस्कर है उनके द्वारा दो सिपाहियों की हत्या कर दी गई थी। उस संदर्भ में उन मुलजिमों की तलाश के अंदर भीलवाड़ा व जोधपुर कमिश्नरेट, जोधपुर ग्रामीण व अन्य जिलों की टीम ये गठित करके मुलजिमों की तलाश कर रहे थे। हम इसी तलाश के दरमियान एक बाबू सिंह उर्फ ठाकरिया करके एक व्यक्ति है, जिसको पादुकला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उसमें ये पूछताछ में ये बात सामने आती है कि ये जो राजू फौजी है ये डिगड़ी कला के अंदर मनोहर सिंह आठेरी उसके वहाँ उसने ठहरा रखा है, जिस पर मनोहर सिंह वगैरह को दस्तयाब करते हैं और पूछताछ करते हैं तो दो चीज़ें सामने आती है कि जो राजू फौजी और बाबूराम गोरसिया दोनों ऑलरेडी डबल मर्डर के अंदर वांटेड है और अन्य पहले मुकदमों के अंदर भी बाड़मेर में व जगह ब जगह इनको तलाश जारी अभी भी, क्योंकि इनके ऊपर पूर्व से भी मर्डर के मुकदमे दर्ज है और यहाँ भी अभी मर्डर के मुकदमे दर्ज है, तब इनको लग रहा है कि पुलिस अब पीछे पड़ रही है और हमें अरेस्ट कर लेगी। और चूंकि इनके मर्डर के बाद में इनका डोडा पोस्ट का काम करीब करीब ठप सा पड़ गया था, पैसों की भी इनके पास किल्लत थी, तब इन्होंने ये संपर्क जो मनोहर सिंह है आठे अकेली इसके मार्फत इन्होंने संपर्क किया जो विक्रम सिंह नादिया है, जो विक्रम सिंह नादिया व दिनेश बम्बणि दो ऐसे व्यक्ति हैं जो कैलाश मांझू से पूर्व से इनकी दुश्मनी है, वह कैलाश मांझू द्वारा इनके घर पर भी फायरिंग करवाई गई है, इन दोनों के ऊपर भी फायरिंग करवाई गई है, दोनों की गोलियां भी लगी है, जिनकी इसकी दुश्मनी राजू फौजी और पाबू गोरसिया को पता थी। तब इन्होंने इससे संपर्क करके कहा कि यदि कुछ पैसे देते हैं तो हम इस कैलाश मांझू को ठिकाने लगा देते हैं। इस बात को लेकर इनकी मीटिंग होती है नादिया कला के अंदर मनोहर सिंह की, दिनेश उसकी मनोहर सिंह आठेरी की, विक्रम सिंह नादिया की, राजू फौजी की और पाबूराम गोरसिया की, चारों की मीटिंग होती है। मीटिंग में राजू फौजी द्वारा 1 करोड़ की डिमांड करते हैं कि 1 करोड़ रुपये दे दो तो मैं इसको सल्टा दूंगा। फिर इसकी बार्गेनिंग होकर बात 80 लाख रुपये में तय होती है। 80 लाख रुपये के अंदर ये डिसाइड होता है कि 40 लाख रुपये आपको काम से पहले हमें जमा करवाने पड़ेंगे और 40 लाख रुपये काम के बाद हम ले लेंगे, जिसके पैसे हमें सुभाष कड़वासरों के पास जमे करवाने थे, चूँकि वो राजू फौजी का भी परिचित था इनका भी परिचित था। इस बात को लेके इनकी डील डन हो जाती है, चूँकि उससे पहले राजू फौजी और पाबूराम गोरसिया द्वारा अपने हथियार का भी बड़ी मात्रा में, जिसमें कारतूस अलग अलग पिस्टल वगैरह थी, जो श्यामा फौजी करके है नागौर का, जिसके पास इन्होंने ये रख के जब हरियाणा से भाग रहे थे तो वहाँ रख के आए थे, जिनको ये लाके डील को डन की थी। चूँकि 2 दिन के अंदर इन्होंने पैसे वापस इकट्ठे करके 40 लाख रुपये की इन्होंने व्यवस्था कर दी थी, 40 लाख रुपये की व्यवस्था करने के पश्चात ये हथियार लेने के लिए नागौर जाते हैं। उसी दरमियान इनका एक व्यक्ति है ठाकरिया जो इनके साथ काम करता है बाबू सिंह, और लंबे समय से फौजी की गाड़ी वगैरह साफ करना घर का काम करता है, वो उस दरमियान वहाँ से निकल जाता है जो कोतवाली जोधपुर में पकड़ा जाता है। जैसे ही पकड़ा जाता है तो ये भाग जाते हैं कि ये पुलिस को हमारी जो योजना है उसके बारे में पता चल जाएगा, वह ऑलरेडी वो मर्डर में पहले से तलाश थे। यदि ठाकरिया नहीं भागता तो ये घटना या जो भी कार्य थी इनकी डील थी वो डन हो जाती, मगर ठाकरिया वहाँ से भागना और कोतवाली में पकड़े जाने से ये डील को उस दिन के लिए आगे खिसका देते हैं। 40 लाख रुपये इनके पास जमा होते हैं मनोहर सिंह भिणियाना को भी कैलाश मांझू और कैलाश मांझू के लोगों द्वारा पूर्व में पिटाई की गई थी, क्योंकि ये गैंग एक थी एक सारे कैलाश के मांझू के खिलाफ थे। इस कारण से ये सारों ने इकट्ठा होकर 80 लाख रुपये में डील डन किए, और जिसमें 40 लाख रुपये उन्होंने इकट्ठे कर दिए थे, जिसमें से 25 लाख रुपये दिए थे लवजीत सिंह करके राणा राजपूत, उसने 15 लाख रुपये दिए थे दिनेश बम्बणि ने, और टोटल 40 लाख रुपये की व्यवस्था हुई। चूँकि उसी दरमियान पुलिस की रेड पड़ जाती है जो इनके पहले ठहरे हुए ठिकाने पे मनोहर सिंह आठेली के वहाँ, जब पुलिस की रेड पड़ती है इनको पता चल जाता है कि इनका पुलिस की रेड पड़ गई। उसी दिन दूसरे दिन ये पैसे वापस 25 लाख लवजीत सिंह को दे देते हैं, 15 लाख रुपये दिनेश बम्बणि को दे देते हैं। जब ये घटना की पूरी जानकारी मिली तो मेरे द्वारा ये वो प्रकरण करके और ऐसे को हाउसिंग बोर्ड और अधिकारी को निर्देश दिया गया था। टोटल कार्रवाई के अंदर जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस, उनका जाब्ता डीसी साहब वेस्ट और ऐसे तो हाउसिंग बोर्ड और एडिशनल डीसी साहब का एम योगदान रहा, इनके निर्देशन में कार्रवाई की। अभी तक मेन मुलजिम जो जिनको ये घटना कारित करनी थी वो हमारी अभी भी पकड़ के दूर है, और जो ये है ये सिर्फ सुपारी देने वाले और पैसों की व्यवस्था करने वाले हैं, क्योंकि हथियार जिनको कारित करनी थी राजू फौजी और पाबू गोरसिया के पास है, और ऐसी हमें जानकारी है कि ऐसी जानकारी इतना मिली अभी तक कि ये अभी हथियार लेके रूप हो सके। नहीं अभी तक हमसे इनसे हथियार कोई ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा इन्वेस्टिगेशन के बाद डिसाइड हुआ। मुकदमा दर्ज करवाया गया है
उसमें हमने अभी 4 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है, आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। किस मामले में ये जो अभी आपको रामचंद्र जी ने बताया उसकी जो डीलिंग की प्रक्रिया थी उसी मामले को लेकर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, उस मुकदमे में उनको राउंड अप किया। वो पैसों की डीलिंग है उसकी, राजू फौजी के मार्फत को उसको कैलाश मांझू को मरवाने की जो डीलिंग हुई थी 80 लाख रुपये की, उस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाई, उसमें राउंड अप किया। सर ये किसने अभी तक ये मेरे सामने तक आया नहीं।